जय श्री राम करें सके व्यूअर्स, दिस इज मेकअप अंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 48 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ यांसी कुल्लू माउंटेन पहुँचती है, तभी वहाँ एक डिसिप्लिन आकर कहता है, मुझे अच्छे से याद है 70,000 ईयर्स पहले रूशी रिवर के पास एक फीमेल जनरल थी जो कुल्लू माउंटेन के खिलाफ लड़ी, वो तुम्ही थी क्या? यांसी एग्री करके कहती है, मैं गोस्ट ट्राइब से हूँ। डिसिप्लिन कहता है, कुल्लू माउंटेन से गोस्ट ट्राइब का कुछ लेना देना नहीं है, आप चली जाए। यांसी कहती है, प्लीज आप मुझे जीलान से मिलने दे। डिसिप्लिन पूछता है, जीलान, तुम जैसी डेमोनिक वुमन को देखना क्यों पसंद करेगा वो? जाओ यहाँ से। यांसी रिक्वेस्ट करके कहती है, मैं यहाँ परेशानी खड़ी करने नहीं आई हूँ, मैं बस जीलान से मिलना चाहती हूँ। डिसिप्लिन कहता है, लेडी भले ही गोस्ट ट्राइब और सेलेस्टियल ड्रैग अब साथ हो, बट कुल्लू माउंटेन के डिसिप्लिन अपने मास्टर को खोने का दर्द को कभी भूले ही नहीं है। मैं आपको माउंटेन के ऊपर जाने नहीं दूंगा, अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो आप सेलेस्टियल ड्राइव की सेक्रेट लेन को पार करेंगी। जैसे ही यांसी कुछ कहने जाती है तभी लीजिंग कहता है, हाय इमॉर्टल, आप प्लीज मर्सी दिखाएं, मेरी सिस्टर ऐसे नहीं घुस रही, वो मेरी जगह हाय इमॉर्टल जीलान से मिलना चाहती है। डिसिप्लिन कहता है, गोस्ट लॉर्ड, आप यहाँ क्या चालाकी से अंदर आना चाहते हैं? लीजिंग कहता है, मैं और मेरी बहन यहाँ सिर्फ कुल्लू माउंटेन का एलिक्सियर मशीन को यूज करना चाहते हैं, ये बात यहाँ इतनी बदल कैसी गई? डिसिप्लिन कहता है, सेलेस्टियल ट्राइब और कुल्लू माउंटेन सेम नहीं है, हम हाई गॉड मोयुआन को ऑनर करते हैं, हम तुम्हारे ट्राइब के साथ कभी नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं। दोनों एक दूसरे की तरफ तलवार उठाते हैं। यांसी लीजिंग को रोकती है। लीजिंग कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये हमें मारना चाहते हैं? यांसी मना करके कहती है कि हमारा चांस है, हमें इन्हें फंड नहीं करना चाहिए, मुझे अभी जीलान से मिलना है। लीजिंग कहता है, बस करो, इस बच्चे से ज्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। जैसे ही दोनों लड़ने जाते हैं जीलान उन्हें रोक देता है। वो यांसी से पूछता है, क्या हुआ, तुम कुल्लू माउंटेन में एकदम से आना क्यों चाहती हो, क्या कोई सीरियस प्रॉब्लम है? यांसी कहती है, कांस्टेबल, क्या मैं कुल्लू माउंटेन के एलेक्सिया मशीन को यूज कर सकती हूँ? जीलान अपने सीनियर डिसिप्लिन को देखकर मना करके कहता है, मैं मॉर्टल एम का कांस्टेबल अब नहीं रहा, अब मैं कुल्लू माउंटेन का डिसिप्लिन हूँ, मुझसे पहले मेरे सीनियर डिसिप्लिन है, पहले तुम ये बताओ कि तुम एलेक्सिया मशीन क्यों चाहती हो? यांसी कहती है, इस बच्चे को मैं बचाना चाहती हूँ। यहाँ जीलान एलेक्सिया मशीन के सामने ग्रीट करके कहता है, मास्टर मुझे माफ कर दें, मुझे कोस्ट ट्राइब के लिए ये एलेक्सिया मशीन को यूज करना होगा, मैं इतना अशेम्ड हूँ कि मैं आपको और अपने सीनियर को अपना चेहरा दिखाई नहीं पाऊंगा। वो नील करके ग्रीटिंग्स देता है और कहता है, मैं जीलान, आपका डिसिप्लिन ये कसम खाता हूँ कि जब आप लौटेंगे तो मैं अपनी पूरी जिंदगी सी ऑफ इनोसेंस को गार्ड करने में लगा दूंगा, मैं कभी भी गोस्ट में कदम नहीं रखूंगा और कभी भी डेमोनिक वुमेन के पास भी नहीं जाऊंगा, यही मेरी गलती की सजा होगी। वो डिवाइन फंगल ग्रास को एलेक्सिया बनाने के लिए एलेक्सिया मशीन में डालता है, वो अपनी बहुत सारी पार उसे बनाने में लगा देता है, उसके मुंह से खून भी निकलता है और वो एलेक्सिया लेकर बेहोश हो जाता है। यहाँ नाइन हेवंस में बायशान ये हुआ के लिए इंक ग्राइंड करके कहती है, ये हुआ, मुझे तुम्हारा टैक्टिकल फॉर्मेशन की स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही, जब मैं कुल्लू माउंटेन के अंदर मास्टर के साथ ये पढ़ती थी तो ये मेरा बिल्कुल भी फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था, इसको एक नज़र से देखते ही मेरा सर दर्द करने लगता था, अब तो मेरी बॉडी भी दर्द कर रही है। यह हुआ मुस्कुराकर पूछता है, तो तुम वहाँ इतनी सीरियसली क्यों बैठी हो? पैशन कहती है, मुझे चिंता थी कि शायद तुम ब्रश ढंग से ना उठा पाओ, बट अब मैं तुम्हें ब्रश उठाते हुए देख रही हूँ तो मैं अपने आप को तुम्हें देखे बिना रोक ही नहीं पा रही हूँ। तभी वहाँ आली आवाज लगाता है, मदर। पैशन कहती है, मेरा राइस बॉल खराब गया, वो अकेले इतना सारा सामान ला रहा है। यह हुआ कहता है, उसे करने दो। आलिए चेंगी उसे कहता है, ये मेरी मदर है, क्या मेरी मदर ज्यादा प्रिटी नहीं है? बायशन कहती है, तो तुम लेडी चेंगी हो जो अपने सीनियर को चैलेंज करने की हिम्मत रखती हो। चेंगी ये हुआ से पूछती है, क्या मैं लेडी श्यान को छू सकती हूँ? तभी आली कहता है, मेरी मदर सिर्फ मेरे फादर को बिलोंग करती है, सिर्फ वो ही उन्हें छू सकते हैं, तुम हो कौन जो उन्हें छूगी? सभी वहाँ हंसते हैं। चेंग्यू कहती है, इतने सालों में मैं फर्स्ट टाइम हाई गॉडेस को देख रही हूँ, तो मैं उन्हें छू क्यों नहीं सकती? आली मुंह बनाता है। तभी ये हुआ कहता है, तो मेरे सामने मेरी वाइफ को छेड़ रही हो, तुम बहुत बोल्डर हो रही हो। चेंग्यू कहती है, आप ऐसी बात कर रहे हैं। वो मुंह फुलाती है। ये हुआ हंसते हुए आली से पूछता है, तुम्हारे हाथ में क्या है? आली बताता है, मैं आपके लिए ये गन्ने सीक्रेट माउंटेन से लाया हूँ। ये हुआ उसे प्यार करके कहता है, आली तुम बेस्ट हो। वो उसे गले लगाता है। आली कहता है, जब जायोन मुझे लेने आए उन्होंने मुझे याद रखने को कहा कि फादर का सीधा हाथ बहुत जख्मी हुआ है, सो मैं अपनी मर्जी से फादर को कसकर हक कर नहीं सकता। फादर, क्या आपका हाथ अभी भी दर्द कर रहा है? ये हुआ मना करके कहता है, मैं तुम्हें एक हाथ से भी उठा सकता हूँ। तभी वो उठाता है। बायशान उसे पकड़ कर पूछती है, ध्यान से। ये हुआ कहता है, चिंता मत करो, कुछ टाइम में मैं अपना सीधा हाथ फिर से फील करने लगूंगा। बायशान कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा एक हाथ जल्दी ठीक होगा, तुम अच्छा पेंट करते हो,
बुरा होगा कि कहीं तुम आगे फिर पेंट ना कर पाओ। मुझे और राइस बॉल को वेट करना होगा कि हमारी पेंटिंग कोई और बनाए, ये परेशानी बढ़ाएगा। ये वह पूछता है तो क्यों ना मैं अभी कुछ पेंट करूं। पैशन पूछती है अभी, तभी चेंगे पूछते लेडी शान बहुत गॉर्जियस है, एक ऑर्डिनरी आर्टिस्ट उन्हें पेंट करने की हिम्मत कर भी नहीं सकता, सिर्फ आप ही है जो उनकी ब्यूटी को अच्छे से निखार सकते हैं। पैशन कहती है तुम्हारे अंदर अच्छी बातें बनाने का गिफ्ट है। राइस बॉल और बैशन सामने वाले टेबल पे बैठते हैं और बैशन चेंग्यू को साथ में बैठने को कहती है। ये हुआ उल्टे हाथ से पेंट करता है। यहाँ चेंग्यू पूछती है मैंने सुना क्या प्रिंसेस फेंगजू की रियल आंट है। बैशन एग्री करती है। चेंग्यू कहती है क्या आप मेरा एक मैसेज उन्हें दे देंगी कि मुझे नाइन हेवेंस पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सो मैं प्रिंसेस से यह मिलना चाहती हूँ। बैशन कहती है मैं किसी को कहकर तुम्हारा मैसेज जल्दी पहुँचवा दूंगी, बट अभी उसका मूड कुछ टाइम से ठीक नहीं है, पता नहीं कि वो अभी भी आ पाएगी या नहीं। चेंग्यू कहती है उसकी आप चिंता ना करें, मैं और प्रिंसेस बहुत क्लोज हैं। पैशन पूछती है तुम उसके क्लोज कैसे हो। चेंग्यू बताती है किस्मत से। यहुआ कहता है बन गई पेंटिंग, अब सब पेंटिंग देखने आते हैं। चेंग्यू कहती है मैं वहाँ बहुत टाइम तक बैठी रही, मेरी तो गर्दन भी अकड़ गई, तो पेंटिंग में मैं ढंग से दिखाई क्यों नहीं दे रही हूँ। आली पूछता है तुम इसमें हो क्यों नहीं, दोनों एक दूसरे को बहुत टीज करते हैं। पैशन कहती है यहुआ का स्टैमिना कुछ टाइम से ठीक नहीं है, एक हाथ से पेंटिंग करना थकाने वाला काम है तो समझो। चेंग्यू जानबूझकर कहती है इनके अंदर स्टेमिना नहीं है। आली भी इसका मतलब पूछता है मतलब के फादर आली को पकड़ सकते हैं पर मदर को उठा नहीं सकते। ये हुआ गुस्से में टेबल पे मारकर पैशन को एक कंधे से उठाता है। पैशन कहती है ये हुआ, तभी ये हुआ चेंग्यू से कहता है आली को आराम कराने उसके हॉल में ले जाओ। वो पैशन को लेकर जाता है। चेंग्यू और आली खूब खुश होते हैं। यहाँ पैशन ये हुआ से कहते हैं ये हुआ नीचे उतारो मुझे, बेडरूम का गेट बंद करते हैं। ये हुआ अंदर बादशाह को बेड पे बिठाकर जैसे ही किस करने जाता है, पैशन कहती है ये हुआ तुम बुरा तो नहीं मानोगे, ऐसा नहीं है कि मैं हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ नहीं जाना चाहती। ये वो पूछता है मतलब, पैशन कहती है वो राइस बॉल की मदर थी, मैं नहीं जानती कि वो तुम्हें क्यों छोड़कर जोशीन टेरेस में गिरी, बट मरे हुए की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यहाँ करना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये वो कहता है मैं समझ गया। वो जैसे ही उसे फिर किस करने जाता है, पैशन कहती है मुझे एक बात और करनी है, मैंने नायना से कहकर उसका सारा सामान लॉक करवाने को कहा है, मैंने खुद को भी समझाया कि अगर मैंने उसे गलती से भी देख लिया तो मैं कहीं अपसेट ना हो जाऊं। ये हुआ बताता है मैंने उसका सारा सामान जला दिया। जैसे ही ये हुआ फिर उसे किस करने जाता है, पैशन कहती है एक बात और। ये हुआ कहता है शियान आज ही तुम्हारे पास इतने सारे मैटर है डिस्कस करने के लिए। पैशन कहती है जो भी मैंने अभी कहा वो पुरानी बातें हैं, बट अभी जो मैं कहना चाहती हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हें याद है जब हम वैसी में थे तब मैंने कहा था कि मुझे ये एंगेजमेंट कैंसिल करनी है। ये हुआ कहता है हाँ याद है। पैशन कहती है तब मैंने अपने दिल से ये सब नहीं सोचा था, बातें दिल पे मत लेना, अब हम एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग रखते हैं, सो एंगेजमेंट को कैंसिल करने की अब कोई जरूरत नहीं। जब मैं वैसी में बोर हो रही थी मैंने कुछ अच्छी डेट देखी है वेडिंग और फंक्शंस के लिए, 2 सितंबर बेस्ट है ना, उस दिन सबके लिए अच्छा है, क्यों ना तुम अपने ग्रैंडफादर को कहो कि हम उस दिन शादी करने जा रहे हैं। ये वो पूछता है क्या कहा तुमने। पैशन कहती है जानती हूँ कि ये सब कहना बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है और ऐसी बातें सामने लाना भी ठीक नहीं है, तो क्यों ना मेरे पेरेंट्स इस डेट को सजेस्ट करें, आफ्टर ऑल शादी एक इम्पोर्टेंट मैटर है, बेहतर होगा कि बड़े ही डिस्कस करें। ये हुआ रोते हुए कहता है शियान फिर से कहो कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो। पैशन उसे बड़े प्यार से कहते हैं ये हुआ आई लव यू, मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहती हूँ। वो मन में सोचती है चिंचू की वुमेन बहुत ब्लंट होती है, जो हम सोचते हैं वही क्या देती है। ये सेलेस्टियल पैलेस के माहौल में बड़ा हुआ है जो बहुत स्ट्रिक्ट है, क्या जो मैंने अभी कहा उससे कहीं ये मुझे इजी ना समझे। ये हुआ बैशन को पकड़ गए किस करता है। वो कहता है शियान मुझे एक बेबी और करना है। यहाँ लीजिंग यांजी से कहता है 70,000 ईयर्स पहले मैं भी यहीं से कुनलुन माउंटेन को निहारा करता था, किसी के बारे में सोचकर मैं खुद के बारे में सोच रहा था कि अगर मैं गोस्ट ट्राइब में सेकंड प्रिंस की तरह जन्मा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। यांजी पूछती है कि आप हाई इमॉर्टल सीन की बात कर रहे हैं। लीजिंग कहता है पहले मैंने भी यही सोचा कि वो सेलेस्टियल ट्राइब से है, मुझे लगा कि दोनों ट्राइब की लड़ाई हमारे बीच में आएगी और तो और रेगुलेशंस भी, इससे तो अच्छा है कि हम शादी ही ना करें तो बेहतर होगा। यांजी पूछती है आपको लगा कि वो सेलेस्टियल ट्राइब से है, मतलब क्या है सीएन सेलेस्टियल ट्राइब का आदमी था। लीजिंग कहता है क्या तुम्हें अभी भी नहीं पता सीएन चिंगचू की हाई गॉडेस पैशन है। यांजी शॉक होकर पूछती है तो जिससे आपको प्यार हुआ वो गलत नहीं था, मैं ही सीएन के बारे में गलत थी, तब मैं बहुत छोटी थी, मैं उसके हाई मॉडल के स्टेटस से बहुत एडमायर करती थी, मुझे तो लगा कि सभी सेलेस्टियल ट्राइब के मैन उसी की तरह हसमुख और सुंदर होते हैं,
चाहे लव हो या हेट हो, हम अच्छे से अलग होते हैं, वो भी बिना किसी हेजिटेशन और ट्रिक्स के। पर तब मैं जानती हूँ कि वो एक वुमेन है और हाई गॉडेस भी है, जिससे किसी को हेट और लव से कोई डर नहीं लगता। ली जिंग हंसकर एग्री करते हुए कहता है, ऐसी आईएन ही है, अगर वो तुमसे अलग होना चाहती है तो वो अच्छे से और साफ तरीके से होगी, हिचकिचाएगी बिल्कुल भी नहीं। यहाँ ये हुआ शियान को किस करता है। पैशन पूछती है, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं, तुमने तो मुझे पूरा ही थका दिया। ये हुआ हंस के पूछता है शियान। पैशन कहती है हाँ। तभी ये हुआ मन में सोचता है, जैसा ली जिंग ने कहा, अगर मुयान वापस लौटेंगे तो बेल ऑफ ईस्ट टेम्पलर की सील खुल जाएगी, जिससे शिंकांग बाहर आ जाएगा, तब तुम क्या करोगे। तभी पैशन पूछती है क्या हुआ। ये वो कहता है 70,000 ईयर्स पहले अगर तुम्हारे पास ये चांस आया कि तुम बेल को सील करो, तो क्या ये सब तुमने तब मोयुआन के लिए किया था। पैशन एग्री करके कहती है, मैं मास्टर के बहुत ग्रेटफुल हूँ, अगर फिर से ये चांस दोबारा आएगा तो मैं ये सब दोबारा जरूर करूँगी। गुलन माउंटेन के कोई भी डिसिप्लिन हेजिटेट नहीं करेंगे दोबारा करने के लिए। ये हुआ कि बंद करता है। तभी पैशन पूछती है क्या हुआ, चलो सो जाओ, ये हुआ यहाँ टेंशन में है। यहाँ यांजी लीजिंग से पूछती है, तुमने अपने बच्चे को एक बार भी नहीं देखा। लीजिंग कहता है, ये 300 इयर्स पहले ही मर गया। यांजी मना करके कहती है, इसने ऐसा गलत किया ही क्या है, इसकी मदर की जगह से पनिशमेंट क्यों मिले। मुझे बिलीव है कि ये जल्दी उठेगा। वो बच्चे से कहती है, अच्छे बनो, अंकल जीलान जल्दी ही आएंगे। तभी सीनियर डिसिप्लिन आकर जीलान की तरफ से उन्हें एलिक्सियर देता है। यांजी पूछती है जीलान। तभी डिसिप्लिन बताता है, ये जीलान ने प्रिस्क्रिप्शन तुम्हारे लिए लिखी है। यांजी एलिक्सियर ले लेती है। डिसिप्लिन कहता है, उसने कहा है कि तुमने अपने सारे पावर को खो दिया है, सो अगर तुम वापस जाकर अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखोगी तो हर महीने 1 से लेकर 15 डेज तक हर महीने तुम्हारी पूरी बॉडी में दर्द बहुत होगा, जिससे तुम बेड से उठ भी नहीं पाओगी। हम जो तुम्हारी हेल्प कर सकते थे वो हमने किया, अगली बार कुल्लून माउंटेन मत आना। यांजी की आंखों में आंसू होते हैं। ली जिंग एलिक्सियर निकाल कर बेबी को देता है। यांजी उसे उठाकर रोने को कहती है। यिंग गर फाइनली उठकर रोता है। ली जिंग उसे प्यार से निहारता है। यांजी उसे गले लगाती है। यहाँ डिसिप्लिन जीलान से पूछता है, मुझे समझ नहीं आया कि तुमने अपनी जिंदगी की आधी कल्टीवेशन को यूज कर लिया। जीलान बताता है, उस बच्चे के पास एक इवन स्ट्रॉन्ग ऑरा था, यांजी की पार उसकी लाइफ बचाने के लिए काफी नहीं थी, मुझे तो अपनी पार यूज करनी ही थी। डिसिप्लिन कहता है, वुमेन सच में परेशानियां बढ़ाती है। जीलान पूछता है, सीनियर आप मुझसे ज्यादा इमोशनल क्यों दिख रहे हैं, मुझे इतना सीरियस नहीं दिखता। ना आओ अब दुनिया में शांति है, ज्यादा पार का यूज नहीं है, मेरे पास इतनी पार बची है जिससे मैं सी ऑफ इनोसेंस को प्रोटेक्ट कर लूंगा। यहाँ पैशन रुकती है, बट ये हुआ वहाँ नहीं होता, उसे पुकारती है। सामने ये हुआ पैशन को देखकर मुस्कुराते हुए पूछता है, तुम हंस क्यों रही हो। पैशन कहती है, बहुत से लोग तुम्हें मेरे मास्टर सन्स है, बट मैंने नहीं समझा। वो उसके कंधे पर सर रख के कहती है, जब मैं तुमसे पहली बार ईस्टर्न सी में मिली मैं तुम्हें मास्टर समझ के शौक हुई, तुम मेरे मास्टर से बहुत अलग हो। ये वो पूछता है, सच में। पैशन बताती है, मेरे मास्टर की आँख तुम्हारी आँख से ज्यादा डार्क नहीं, तुम्हारे जैसे शांत है। बताओ तुम गॉड में सबसे छोटे माने जाते हो, तो तुम क्यों बूढ़े गॉड जैसे बिहेव करते हो, लॉर्ड डोंगवा दीजुन से भी ज्यादा। ये हुआ हंस के उसे गले लगा कर कहता है, तुम थोड़ा लंबे टाइम तक देख सकती हो, अगर तुम थक जाओ तो यही मेरे कंधे पे सो जाना। पैशन कहती है, सूरज उग चुका है। ये हुआ पूछता है, क्या तुम उठना चाहती हो या फिर सोना चाहती हो। पैशन कहती है, मुझे प्यास लग रही है, किसी को कहो मेरे लिए चाय बनाए। ये हुआ उसके माथे पे किस करके जाता है। पैशन एलिक्सियर को निकालती है जो उसे जियान ने दिया था। वे टी पॉट रख कर जाती है, बट जाते हुए वो पैशन को उसके अंदर डालते हुए दिखती है। यहाँ ये हुआ बॉडीगार्ड तियांशु को ऑर्डर देता है कि आज के बाद बेल ऑफ ईस्ट टेम्पलर पर नजर हमेशा के लिए रखो, कुछ भी गलत होता है मुझे एकदम से इन्फॉर्म करना। तियांशु पूछता है कि आपको लगता है कि शिंकांग सील को तोड़कर बाहर आ जाएगा। यो कहता है, तुम्हें इसके बारे में पता होना नहीं चाहिए, मेरी बातों पे ध्यान दो, अगर कुछ भी गलत बेल में होता है तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, सिर्फ मुझे बताना। यहाँ वही मेड लिशु और सूजिन को बताती है कि बादशाह ने क्या किया। लिशु कहती है, क्या तुमने सच में देखा है कि बादशाह टी में कुछ ड्रग मिला रही थी, क्या सच में हाई गॉडेस पाशा नहीं थी वो। मेट कहती है, मैं आपसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती। रिशु कहती है, ऐसे कैसे पॉसिबल है, वो तो ये हुआ से एंगेज भी है, वैसे नहीं कर सकती। सूजन कहती है, मुझे हमेशा से क्राउन प्रिंस और हाई गॉडेस को लेकर डाउट था, क्या आपको भी ऐसा फील नहीं होता। रिशु पूछती है, मतलब। सूजन मेट को बेच कर कहती है, मुझे याद है 300 इयर्स पहले क्या हुआ, क्या आपको अजीब नहीं लगा क्राउन प्रिंस को लेकर। पहले तो वो उस मॉडल से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, वो खुद 300 इयर्स तक सोल गैदरिंग लैम्प को गार्ड भी कर रहे थे, वो तो उसकी हम शक्ल भी बनाना चाह रहे थे, बट एकदम से ऐसा क्या बदला कि जैसे ही वो ईस्टर्न सी होकर आए उनका तो पूरा माइंड ही चेंज हो गया, या कुछ अलग सा जी भी हो गया। रिशु कहती है, जैसे तुमने कहा उससे मुझे भी यही लग रहा है,
मुझे उसकी चिंता बहुत है कि यहुआ उसके जाल में तो नहीं फंस गया और एकदम से वो किसी और से प्यार करने कैसे लग गया। सुजिन कहती है नाइन टेन फॉक्स क्लान में चिंचू के लोग पटाने के चार्म में माहिर होते हैं, वो तो एक ड्रग भी हो सकता है जब मेड ने उन्हें टी में मिलाते हुए देखा है। टिशु कहती है तो बातें है, आफ्टर ऑल वो एक हाई गॉडेस है और वो यहुआ से एंगेज भी है, ऐसी हरकत नहीं कर सकती। भले ही यहुआ उसके लिए कुछ फील ना करता हो तो भी उसे उससे शादी करनी ही पड़ेगी। सुजिन कहती है मुझे डर है, क्या आप एक बात नहीं जानती। टिशु पूछती है ऐसा क्या अजीब है। सुजिन कहती है क्राउन प्रिंस की ईस्टर्न सी में जाने से पहले चिंचू की भाई फेंगचू ने मेरी शक्ल बनाई और वो सोल गैदरिंग ग्लैम को जीशन हॉल से चुरा के लेके भी गई। रिशु शॉक में पूछती है क्या। सुजिन एग्री करती है। रिशु कहती है भाई फेंगचू तो एक प्रिंसेस है तो वो ऐसा कर कैसे सकती है, तुम ये सब अब मुझे क्यों बता रही हो। सुजिन बताती है अंकल लियांग सोंग और सीमिंग उसकी तरफ से माफी मांगने आए, उन्होंने ये भी कहा कि वो चुलबुली है और इसलिए उसने लैम को मजे में चुराया। उन्होंने मुझे उसे ब्लेम करने के लिए भी मना किया, वो तो लॉर्ड डोंग और तीजुन और सीमिंग की वजह से कि मैटर शांति में सॉल्व हो गया। रिशु कहती है मैंने सुना था कि भाई फेंगचू ताइचेन पैलेस में मस्ती करी है, वो भी कर्ज उतारने के लिए, उसने तो वहाँ बहुत बड़ा कांड भी किया। मैंने तो ये भी सुना है कि तीजुन उस प्रिंसेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बट किसे पता था कि वो उसे बचाएंगे। सुजिन कहती है तीजुन का माइंड बहुत मिस्ट्री वाला है, बट जब मैंने सोचा मुझे इसमें कुछ दाल में काला लगा। अब सोचिए पहले पाइफेंग जो सोल गैदरिंग लैंप लेकर गई, उसमें सुसु का ब्लड और बोन्स उसमें बड़े हो रहे थे, तभी पाइशान क्राउन प्रिंस से ईस्टर्न सी में मिली। उनसे मिलने के बाद क्राउन प्रिंस को उनसे एकदम से प्यार हो गया। क्राउन प्रिंस ने नहीं कहा था कि वो सुसु की हमशक्ल बनाएंगे, क्या ये कहीं कुछ ज्यादा कोइंसिडेंस तो नहीं। टिशु एग्री करती है। सुजिन कहती है भले ही क्राउन प्रिंस की उनके साथ एंगेजमेंट हो भी, हमें इस मैटर के अंदर तक जाना होगा। अगर पाइशान इतनी मैनिपुलेटिव है तो आपको ये कम्प्लेन हेवेली लॉर्ड और क्राउन प्रिंस से करनी ही होगी। अगर ये वुमेन फ्यूचर की हेवेली एम्प्रेस और क्राउन प्रिंसेस बनेगी तो कहीं डेंजर ना हो। रिशु एग्री करके कहती है ये सब बातें हैं, आफ्टर ऑल वो चिंचू की क्वीन हाई गॉडेस पाइशान है, वो है जिसे हम ऑफेंड नहीं कर सकते। वो तो सेलेस्टियल पैलेस में आई भी, उसने तो मुझे ग्रीट भी नहीं किया, आज मैं खुद उससे मिलने जाऊंगी। सुजिन की चाल पूरी होती है। यहाँ अली पाइशान से कहता है मदर अपन जल्दी पढ़ रही है। पाइशान कहती है बच्चे इतनी केयरफुली क्यों पढ़ते हैं, जब मैं पढ़ लूंगी तब मैं इसकी स्टोरी तुम्हें बता दूंगी। यहाँ मेड यहुआ को वही टी देती है, यहुआ टी पीता है तभी वहाँ लिशु और सुजिन पहुँचते हैं। आली उन्हें ग्रीट करता है, लिशु आली को उठाती है, सुजिन क्राउन प्रिंस और हाई गॉडेस को ग्रीट करती है। लिशु कहती है हाई गॉडेस पाइशान, पाइशान कहती है जी वाइफ लिशु, लिशु कहती है अकॉर्डिंग टू रूल्स मुझे गॉडेस को ग्रीट करना चाहिए, बट तुम मेरे बेटे से शादी करने जा रही हो तो फॉर्मेलिटीज को नजरअंदाज किया जा सकता है। पाइशान कहती है मैं यहुआ की फैमिली के हिसाब से ही उन्हें सीनियर मानूंगी, मैं आपको ग्रीट करती हूँ। रिशु कहती है तो मैं होने वाली बहू से ग्रीटिंग्स एक्सेप्ट करती हूँ। तभी ये हुआ टी पीता है सुजिनों से देखकर जैसे ये आवाज लगाती है। रिशु कहती है ये हुआ टी ठंडी हो गई है, तुम्हारे पीने से पहले क्यों ना मैं तुम्हारे लिए नई चाय बना दूँ। ये हुआ कहता है परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं, चाय मुझे इसी टेम्परेचर पे पसंद है, वो टी पीता है। रिशु कहती है तुम चाय पी नहीं सकते। ये हुआ पूरी चाय पीने के बाद पूछता है इस चाय में क्या गलत है। रिशु बहाना मार के कहती है मुझे चिंता है कि तुम ये ठंडी चाय पीकर अच्छा फील ना करो, अभी ये तुम बहुत बीमारी से ठीक हुए हो, ठंडी चाय पीने से कहीं तुम बीमार न पड़ जाओ। यहुआ कहता है मदर चिंता मत करो, शियान ने ये चाय मेरे लिए बनाई है, उसने हाई गॉड जियान का एलिक्सिर मुझे बेटर करने के लिए इसमें डाला है जो हेल्थ को इम्प्रूव करता है। पाइशान मन में सोचती है इसको कैसे पता कि मैंने इसमें एलिक्सिर डाला है। रिशु हंस के कहती है तो ये बात है, वो पाइशान से कहती है हाई गॉडेस आप सच में समझदार निकली। पाइशान कहती है आपको ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं, आफ्टर ऑल ये हुआ मेरे होने वाले फ्यूचर हस्बैंड है, मैं भी चाहती हूँ कि वो जल्दी ठीक हो। रिशु कहती है इससे मुझे तुम्हारी शादी की बात याद आ गई, आप नाइन हेवंस पे ऑलरेडी दो बार आ चुके हैं, अब आप यहाँ से जल्दी ही जाने नहीं वाले, तो क्यों ना हम शादी की डेट जल्दी की डिसाइड कर लें और ये सब कम्प्लीट करें। पहले तो सेलेस्टियल ट्राइब के रूल्स को फॉलो करना होगा, फिर हेवेली लॉर्ड और ये हुआ के फादर की विश भी इससे पूरी होगी, आपको क्या लगता है हाई गॉडेस। पाइशान कहती है मैं भले ही चिंचू की क्वीन हूँ बट मेरे पेरेंट्स अभी हैं, मुझे इसके बारे में उनसे बात करनी होगी। रिशु एग्री करके कहती है तो मैं हेवेली लॉर्ड से इसकी बात करती हूँ ताकि वेडिंग एडवांस में हो जाए, आफ्टर ऑल ये शादी सेलेस्टियल ट्राइब और चिंचू के फॉक्स ट्राइब के बीच का एक इम्पोर्टेंट ओकेजन है, इसे हल्के में लिया जा नहीं सकता। तभी आली आकर रिशु से चिपक कर कहता है आली आपको बहुत पसंद करता है। रिशु कहती है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मुझे यूजुअली पसंद नहीं करते। आली कहता है करता हूँ बट आज सबसे ज्यादा आपको लाइक कर रहा हूँ, मैं भी शादी के लिए एक्साइटेड हूँ जिससे मैं मदर से बाद में मिल लूंगा।
रिशु कहती है अगर उनकी शादी नहीं हुई तो तुम अपनी मदर से मिल नहीं पाओगे। आली कहता है अगर उनकी शादी नहीं हुई तो मदर को सेलेस्टियल ड्राइव के रूल की चिंता होगी, उन्हें चुपके से फादर से मिलने आना होगा, वो भी आधी रात को, उन्हें सब हर बार करना होगा, इसलिए उन्हें ढूंढना मेरे लिए भी डिफिकल्ट होगा। रिशु हंसकर यहुआ से पूछती है तुम इतने शांत क्यों हो। यहुआ कहता है मदर जैसा आपने कहा ये वाकई में एक इम्पोर्टेंट ओकेजन है, सेलेस्टियल ड्राइवर चिंगचू दोनों के लिए, तो फॉक्स किंग और हेवलिन लॉर्ड इन सब के बारे में खुद ही डिस्कस करें, इसमें जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। रिशु कहती है अच्छा है कि तुम जानती हो, बट मैं क्राउन प्रिंस को उनके काम में नहीं रखूंगी, सो मैं अब चलती हूँ। बायशान आली को पढ़ाने के लिए भेजती है और यहुआ के पास जाकर पूछती है तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हारी टीम में एलेक्सिया मिलाया। यहुआ हंस के कहता है मेरी मदर को टीम में कुछ गलत लगा, अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो मैं इससे लायक तो नहीं बन पाता। पैशन कहती है अरे तो वाइफ रिशु सिर्फ इसी के लिए यहाँ आई थी, मैं तो डर ही गई कि पता नहीं कि वो इतनी घबराती हुई यहाँ क्यों आई है, सेलेस्टियल ड्राइव में बहुत सारे रूल्स हैं और वो सोचते भी ज्यादा है। यहुआ मुस्कुराता है, पैशन कहती है तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो। यहुआ उसे पकड़ते हुए कहता है मुझे लगता है कि ईस्टर्न सी के यिंगजो में मेरा जाना अच्छा साबित हुआ, अब तो तुम मुझसे इतने अच्छे से बात करने लगी हो। बाशन कहती है जब मैं छोटी थी तब मैं ऐसी ही थी, बस 1,40,000 ईयर्स पहले सभी रिम के लोग मुझे आंट कहकर पुकारने लगे तो मैं कैजुअली बोलने की हिम्मत कर कैसे सकती थी। हम अपनी शादी के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। यहुआ कहता है ये एक इम्पोर्टेंट ओकेजन है, हमें केयरफुली डिस्कस करना होगा। लॉर्ड डेजन अभी ये लौटे हैं, उन्हें हेवलिन लॉर्ड से बहुत कुछ डिस्कस करना होगा। कुछ दिन के बाद हेवलिन लॉर्ड के पास जैसे ही टाइम होगा तो मैं उन्हें हमारी शादी कराने की बात करूंगा। पैशन मन में सोचती है पता नहीं इन सब में और कितना टाइम लगेगा, मुझे अपने ब्रदर को मनाना होगा कि वो फादर और मदर से इन सब के बारे में बात करे, इससे ये भी बच जाएंगे। यहाँ शादी की तैयारी चलती है, सुजीन मेट से कहती है तुम लोग ये सब कर क्या रही हो, क्या तुम प्रिंस आली की बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रही हो। क्राउन प्रिंस को ये रेड ब्राइट कलर पसंद नहीं है, इसे चेंज करो। मेट बताती है क्राउन प्रिंस ने ही हमें ये ऑर्डर खुद ही दिया है, हाई गॉडेस चिंगचू की पैलेस में शादी करने जा रही है और हम सब उसकी तैयारी कर रहे हैं। सुजिन कहती है आफ्टर ऑल वो लीगल वाइफ और चिंगचू की हाई गॉडेस है, हर चीज अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। मैं अभी पैलेस से लौटी हूँ क्राउन प्रिंस और वाइफ रिशु से शादी की तैयारी के लिए, तुम जाओ। बाद में शिन्नू कहती है जब आप यहाँ शिवू पैलेस में शादी करके आए कोई भी वेडिंग के रिचुअल्स नहीं हुए, वो तो उससे भी ज्यादा बेकार थे जब आप हेवेली लॉर्ड की और वाइफ बने। सुजिन कहती है सभी जानते हैं कि मैं बचपन से ही यहुआ को खूब पसंद करती हूँ, शिवू पैलेस की कौन फ्यूचर मिस्ट्रेस बनेगी किसे पता। शिन्नू खुशी से एग्री करती है। यहाँ असेंबली हॉल में यहुआ से हेवेली लॉर्ड कहता है तुमने शादी करने का सोचा है तो दहेज और गिफ्ट के साथ वेडिंग रिचुअल्स को भी हमें डिस्कस करना होगा, ये सब एक इम्पोर्टेंट ओकेजन है। रिशु एग्री करती है। यहुआ का फादर यांकू कहता है फादर इतनी जल्दी खुश ना हो, यहुआ को अभी भी वाटर रिम में एक हेवेली ट्रायल को लेना होगा। हेवेली लॉर्ड पूछता है ऐसा क्यों। यांकू बताता है ईस्टर्न सी के यिंगजो में जो मिस्टिकल बीस थे वो हेवेली फादर की हाफ पावर से थे, यहुआ ने उन्हें खत्म कर दिया, ये हेवेली फादर के लिए बड़ा डिसरिस्पेक्ट है, मैंने रूल्स को देखा है, यहुआ को मोटर रिम में हेवेली ट्रायल के लिए जाना होगा। रिशु कहती है किसी ने भी इस बात को दिल पे नहीं लिया, हमारे बेटे की छोटी सी मिस्टेक को सामने लाना बंद करो। यांकू कहता है सेलेस्टियल ड्राइव रूल्स को फॉलो करता है, उसे उसकी मिस्टेक की पनिशमेंट मिलेगी। रिशु कहती है जब हम इतनी अच्छी खुशी वाले इवेंट को डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसी बात सामने लाना जरूरी है। हेवेली लॉर्ड कहता है ये हुआ तुम्हारे फादर सही है, तुमने हेवेली फादर की चीज को डिस्ट्रॉय किया जो सिर्फ उन्हीं को बिलोंग करता है, सो तुम्हें हेवेली ट्रायल से गुजरना होगा। ये हुआ एग्री करता है। हेवेली लॉर्ड कहता है तुमने डिवाइन फंगल ग्रास को डिस्ट्रॉय किया है, उस मिस्टेक के लिए मैं तुम्हें मोटर रिम में भेज रहा हूँ बट हेवेली ट्रायल के लिए नहीं, मैं सीमिंग को कहकर तुम्हारी बुक ऑफ डेस्टिनी को खाली रहने दूंगा, जो होगा सो होगा, हम सब चांस पे छोड़ते हैं। ये वो कहता है मैं डिग्री एक्सेप्ट करता हूँ। हेवेली लॉर्ड कहता है ये एक हेवेली ट्रायल है सो 2 महीने के अंदर वो लौट आएगा, स्टेटस के हिसाब से दहेज का गिफ्ट एकदम से तैयार भी होगा जब तक यहुआ लौटेगा। रिशु एग्री करके कहती है तो मैं तैयारी अभी से स्टार्ट करती हूँ, तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जगह यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज कोरियन जगह एज वेल एज इंस्टाग्राम अकाउंट कोरियन जगह। थैंक यू।